ओम का विज्ञान। दार्शनिक ल्यूथर ने कहा है कि प्रार्थना जितनी ही छोटी होगी उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। ये बात उन्होंने सही कही है। ओम ही केवल विश्व में वो शब्द है, वो नाद है जो मोनोसिलेबल अर्थात एक हिस्से या हिज्जे अर्थात मुंह के द्वारा एक बार में बोलने वाला शब्द है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक हिस्से के शब्दों में सबसे अधिक है। उदाहरण, दया, कार्य, हम। एक हिस्से के ओम बोलने में सबसे कम ऊर्जा मस्तिष्क की लगती है, क्योंकि इसमें जिह्वा को तो बिल्कुल भी क्रिया में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी ओम में विश्व की ध्वनि तरंगे समाहित हो जाती हैं, क्योंकि इसमें ध्वनि तरंग का आयाम सबसे बड़ा होता है। अन्य किसी भी मोनोसिलेबल शब्द का आयाम इतना बड़ा नहीं होता। अतः अन्य छोटी छोटी ध्वनि तरंगे इस विशालतम ध्वनि तरंग में समा जाती हैं। जैसे एक तरफ समुद्र हो और दूसरी ओर छोटे छोटे झील या तालाब कुंड। इसका चाप करने से जैविक शक्ति रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से उठकर मस्तिष्क में चली जाती है। इस कारण मानसिक रोग ठीक होते हैं, मनुष्य को आनंद मिलता है। अतः ब्रह्मांड की अनंत शक्ति जो ध्वनि तरंगों में अभिव्यक्त की जा सकती है वो ओम ही है। ओम जाप में शक्ति कम से कम लगती है, किंतु फायदा अधिकतम होता है। कहते हैं वही व्यापार सर्वश्रेष्ठ है जिसमें कम से कम लागत हो और अधिक से अधिक लाभ हो। ओम प्रतीक तीन अक्षरों से बना है, अ उ म। भौतिक शास्त्र की अनुनाद नली को लेते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें कंपनों की लंबाई व चौड़ाई नापते हैं। वैसी नली रीढ़ की हड्डी के अंदर द्रव्य सहित होती है जिसमें मेरुरज्जा यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसमें सुषुम्ना नली होती है। इसी को हमारे शास्त्रों में वैतरणी भाव सागर कहा गया है। भौतिक शास्त्र के अनुसार ओम में नोड इंटर नोड नहीं होते, जबकि अन्य शब्दों में होते हैं। इस कारण इसकी विशेष शक्ति है। अतः भौतिक विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित हुआ है, और ये भी बात प्रमाणित है कि बिना संगीत के नृत्य नहीं होता। मोटी आवाज ढोल तबला आदि मूलाधार चक्र पर चोट मारते हैं, जिससे शक्ति तरंगित हो जाती है और नाचने वाले के पैर थिरकने लगते हैं। पतली आवाज जैसे बांसुरी सितार आदि पतले ध्वनि तरंगे इस शक्ति को मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं, जिससे हाथ व सिर हिलने लगते हैं और आनंद आता है। ऊर्जा का किसी भी रूप में मस्तिष्क में जाना आनंद है। ओम का जाप मन की गंदगी को भी झाड़ू की तरह साफ करता है। बुरे व अन्य दूषित विचार लुप्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति व बुद्धि बढ़ाने हेतु तथा अन्य लोगों को आनंद मोक्ष एवं शांति हेतु इसका जाप करना चाहिए। मूलाधार चक्र अनुवांशिक शक्ति का अक्षय भंडार है। आप जितनी बार ओम बोलोगे उतनी ही बार ये शक्ति मस्तिष्क में निश्चित रूप से पहुंचेगी ही। ओम की ध्वनि शंख की ध्वनि के समान है जो कीटाणुओं को दूर भगाने में सक्षम है। अतः ओम की शक्ति
वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध होती है।